एक इंसान का भी भरोसा होता है जो मैं ऐसा करूंगा। तो अभी कोई भी आदमी जिसका कोई फॉलोवर नहीं है, कुछ नहीं है, वो आदमी अगर ऐसा करता है तो क्या मतलब नहीं है? जिसका हाँ वाकई में कोई सुनता है, जिसका कोई फैन है, तो असल जो दिल की बात जो है ना, वो जुबान पे फेसबुक पे आती है। फेसबुक से ऐसी चीज़ें, सोशल मीडिया ऐसी है जो अपनी वो दिल को रखता है, दिल की बात को रखता है। तो आदमी फॉलोवर होता है। जब उसका पेज को लाइक फॉलो जो भी हो, मेरे को तो पहले ये भी नहीं मानता जो फॉलो कैसे होता है, लाइक कैसे होता है। ये एजाज खान का वीडियो मैं देख रहा था, तो जी मैं वही देखता था, हटा देता था। तो उसने बोला आराम से मत बैठे रहो, अंगूठे का जो निशान है उस पे अंगूठा दबाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये हमारे साथ में जो अभी खड़े हैं, ये हमारे भाई हैं कमरे आलम। ये बहुत बेहतरीन मुसलमान है, क्योंकि इन्होंने घाट घाट का पानी पीकर अब 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जमात से इल्म सीख रहे हैं, मुसलमान है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक दुख, एक तकलीफ़ भी है, और वो दुख तकलीफ़ ये है कि पिछले 5 साल से इन्होंने अपनी बच्ची के लिए, उनकी बच्ची के इलाज के लिए कुछ रकम ले रखी थी। वो रकम हो गई है लोन सूद के साथ में 3-3.5 लाख। घर ज़मीन सब चला गया है, अब बचा कुछ भी नहीं है हाथ में, सिवाय सोशल मीडिया पे मुसलमानों, सिवाय तुम्हारे सामने मदद के अलावा और कुछ बचा नहीं है। ऑप्शन इसलिए तुम्हारे सामने है। काफ़ी मरतबा इन्होंने हमारे अहले हदीस जमात के इलिया शरफुद्दीन स्लेव ऑफ सऊदी, उनसे बात करने की कोशिश की। दो दो तीन तीन बार उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन इलिया शरफुद्दीन कहते हैं कि हम खुद ही कर्जे में हैं, हम खुद ही भाड़े के रूम में रहते हैं, हम क्या मदद करेंगे। तो जमात क्यों कहते हो? अगर जमात जमात वाले की मदद नहीं कर सकते तो अपने आप को जमात ना कहो। मेरे देश के अंदर जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की। तो ये घाट घाट का पानी पी के हमारे कमरे आलम भाई हमारे तक पहुँचे हैं, और ये उम्मीद लगाकर आए हैं कि क्या अली भाई कुछ मदद कर सकते हैं। मैंने इनको साफ साफ बता दिया, मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ जो 200 साल 150 साल सुकून से खुशहाल ज़िंदगी जीने के नुस्खे बताएगा। नहीं, मैं वैसा बाबा नहीं हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ, और मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। नॉलेज के बदले में आप हमारे कमरे आलम भाई की मदद कर देना। मैं मुफ्त में आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा भाई कमरे आलम बहुत उम्मीद लगाकर अल्लाह से मेरे पास में आया है, घाट घाट का पानी पीकर बरेलवी से देवबंदी, देवबंदी से अहले हदीस बन गया है। तो अहले हदीस जमात के जितने भी तौहीद परस लोग हैं, मेरी बात कान खोल के सुनना। आज के दौर में दो किस्म के लोग हैं अहले हदीस जमात के अंदर, दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जो अल्लाह रसूल की बात मानते हैं, उनको कहते हैं तौहीद परस्त, और वो दूसरे जो है वो दिनार और दिरहम की बात मानते हैं, उनको कहते हैं सऊदी परस्त। तो सऊदी परस्त अहले हदीसों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, तौहीद परस्त अहले हदीसों। ये हमारा भाई 5 साल से परेशान है। ये अहले हदीस जमात क्या खाली नाम की जमात है या कुछ काम भी करेगी? अकीदे के नाम पर तो बहुत तुम झगड़ा करते हो भैया, मदद भी करने के लिए ऐसा आया करो झगड़ा करते हुए, मैं मदद करूँगा मैं मदद करूँगा, ऐसा तो कोई 5 साल से बेचारा परेशान है मेरा भाई कमरे आलम भाई। मैंने इनसे 1-1.5 घंटा बात करके कंफर्म करके कि कमरे आलम भाई वाकई में जेन्यून आदमी है, उसके बाद में हमने ये वीडियो लाइव जाने का डिसीजन लिया। तो जितने भी मुसलमान मुहम्मदी है अहले हदीस जमात के अंदर तौहीद परस्त लोग जो है ना, आपकी जमात इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, लोग भटक जा रहे हैं। तो प्लीज़ अहले हदीस जमात वालों, अगर तुम चाहते हो कि मिर्ज़ा इंजीनियर के पास में लोग ना जाए, तो तुम हमारे भाई की मदद करो। इनको 3-3.5 लाख की मदद है। इनके डॉक्यूमेंट जो है मैं एडिट करके आपको साथ में दे दूंगा,
इनका गूगल पे पेटीएम नंबर जो भी है, मैं इनका है नंबर, मेरी फैमिली का अकाउंट, फैमिली का अकाउंट है, वो फैमिली के अकाउंट से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा भाई, प्लीज़ मदद कर देना अगर अपने आप को तुम मुहम्मदी कहते हो तो। और जितने भी महादेव के भक्त है, जितने भी मेरे देश के अंदर महादेव के भक्त है, अगर तुम भी अगर भाई की मदद कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बल्कि बदले में महादेव तुमको 700 गुना और दे देगा। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। ये जो हिंदू मुसलमान लड़ रहे ना आपस में, इन लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को वाकई में नॉलेज चाहिए तो आओ हमारे चैनल पे। जिस तरीके से हमारे कमरे आलम भाई हमको 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। मैंने इनको बता दिया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं अपने आप की भी मदद नहीं कर सकता, मैं कोई 2 नंबर वाला बाबा नहीं हूँ जो झूठ बोल के लोगों को शिर्क में मुब्तला करके जहन्नम में ढकेलूँ। मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ, और जितने भी अल्लाह वाले हैं प्लीज़ मेरी उम्मीद को तोड़ना नहीं, मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं, इसको शेयर कर देना। अगर तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ डोनेट नहीं कर सकते ना, इसको शेयर कर देना। गरीबों के पीएम है भाई, गरीब आया है, मदद मांग रहा है, अहले हदीस जमात से है, 20 साल से अहले हदीस जमात से, देवबंदी से अहले हदीस बना। तो भैया हम लोग अपनी जमातें छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे, और तुम हमको कभी बिहार भेज दोगे, कभी किधर भेज दोगे, कहाँ कहाँ जमात में धक्के खा रहा है ये। बहुत सारी जमातों में धक्के खा खा के अहले हदीसो अभी हमारे पास में आया है। अब अपना नाम मत खराब करो, वरना तुम्हारा तो मैं ना काम तमाम कर दूंगा। प्लीज़, ये तुम्हारा भाई है, ये मेरा भाई है, हम सब आपस में भाई भाई है, भाई की मदद करो। ये लोन में डूबता चला जा रहा है, अगर भाई का कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम अहले हदीस जमात के लोग होगे, जो अपने आप को तौहीद परस्त कहते हो। तौहीद परस्त हो तो अपने जमात के लोगों की हिफाजत करना भी पहले सीखो, वरना अपने आप को अहले हदीस नहीं कहना, ठीक है। जितने भी मोहम्मदी है प्लीज़ इसको शेयर करो, हमारे भाई बहुत उम्मीद लगा के, ऑलरेडी इनका 800 रुपये का नुकसान हो गया, बेचारा 800 रुपये कमाता है, जरी का काम करता है, 2 बच्चे हैं, 4 टोटल बच्चे हैं, बड़ी बच्ची का बीमारी से इलाज करना पड़ा, इलाज करने के लिए बहुत लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, हिंदुओं के सामने हाथ फैलाया है तब जाके बच्ची की जान बचाया है। अब मुसलमान मदद नहीं करेगा हिंदुओं का कर्जा चुकाने में, तो काहे के मुसलमान रे तुम लोग, हक तो दा इत्सा घो।